हेलो स्टूडेंट्स बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े थे, ठीक है। तो उन पोस्टुलेट से अभी जो पोस्टुलेट मतलब उसकी एक थ्योरी डिराइव हुई, उस थ्योरी से हम कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है बोर्स थ्योरी, ठीक है। तो वो कंक्लूजन मतलब बोर्स थ्योरी के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। Means four में क्या है ना, 1913 में जो postulates दिए थे, चार postulates थे total, उनसे क्या किया, based on Niels Bohr theory following conclusions can be drawn. एक चीज बता दो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मैं जितना पढ़ा हुआ, ठीक है, उसमें एनसीईआरटी प्लस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मिक्स है। तो जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयार करेंगे उनके लिए एनसीईआरटी के पोस्टुलेट्स काफी होंगे, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए जितनी डेरिवेशंस मैं कराऊंगा तो डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप्स के अंदर से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल है, दी स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन एटम in which electrons are present are numbered, उनको क्या किया गया है, नंबरिंग की गई उनकी, ठीक है। और नंबरिंग कैसे की गई, n equal to 1 2 3 so on, ठीक है। and these numbers are called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इनको क्या बोल दिया गया बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो क्या मैं दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होते हैं वो और कुछ नहीं होते, क्या होते बेटा, नंबर ऑफ सेल, है ना। कौन सी नंबर ऑफ सेल है, अगर n इक्वल टू 1 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम को रिप्रेजेंट भी किससे करेंगे, स्मॉल n से करेंगे, किससे करेंगे बेटा, स्मॉल n से, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं n, ठीक है। ये फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन विच the radius of an orbit in which electron revolves around nucleus can be calculated by only formula दिया, Rn equals n square a mod। इस फॉर्मूले को यूज करके बेटा हम किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाल सकते हैं, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, और a mod क्या है बेटा, a mod की वैल्यू फिक्स कर दी है, ठीक है। क्या फिक्स की, 52.9 picometer। तो ये और ये जो वैल्यू है, अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं बोल देता हूं a वॉट की वैल्यू 52.9 picometer है, मतलब उस फॉर्मूले में रखो जरा n स्क्वायर इनटू 52.9 picometer, अगर n की वैल्यू 1 कर देते हैं, इफ n इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम के फर्स्ट फर्स्ट सेल की बात हो रही है,
कोई सा भी एटम हो उसी फर्स्ट सेल की बात हुई है तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 52.9 पिकोमीटर आ जाएगी। मतलब फर्स्ट सेल जो है न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेडियस कितनी होगी हमेशा 52.9 पिकोमीटर। इस रेडियस को बोर रेडियस भी बोलते हैं। ये जो वैल्यू है r इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर इसको बेटा क्या बोलते हैं बोर रेडियस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है चलो बोर रेडियस क्यों बोला? देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि बोर मॉडल यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन जिन एटम्स में प्रेजेंट होता है जैसे हाइड्रोजन एटम ठीक है या फिर Li प्लस लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा तो उसमें होती ही फर्स्ट सेल है उसकी रेडियस मतलब फर्स्ट सेल तक का डिस्टेंस की बात हो रही है इसीलिए वो वैल्यू फिक्स कर दी जिसको हमने बोर रेडियस बोल दिया। उसका नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो हमें रेडियस मिलती चली जाएगी। ठीक है एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है तुम्हें एस नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस ठीक है एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी इंक्रीजेस रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ऊपर वाले फॉर्मूले से एक कंक्लूजन में दे सकता हूं जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है मतलब सेकंड सेल की बात हो थर्ड सेल की बात हो मतलब इसके बाहर फोर्थ सेल की बात हो तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू इंक्रीज करूंगा r भी यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा n इंक्रीज हुआ तो r भी इंक्रीज होगा। ठीक है ये कंक्लूजन हमें यहाँ से मिलता है। ये बेटा डायरेक्ट अगर बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर डेरिवेशन जो है रेडियस ये आई कहाँ से इतनी उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है हम यहां पे पहले एक बार रेडियस कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन लिख लो डिराइव द फॉर्मूला कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है ये फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मुझे तुम्हें एक छोटी सी चीज और बतानी है उसे चाहे तुम थर्ड पॉइंट डाल के लिख लो कि जब इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है बेटा इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ठीक है तो तुम्हें पता है जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ से जब इसकी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। उस फोर्स को क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एफ सी से मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ और उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो जब नॉर्मल बॉडी रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल लगता है तो क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो भी तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर इसके इक्विवेलेंट रखता हूँ तो क्या ये सही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं इसके लिए। देखो कैसे निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ठीक है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है बेटा थोड़ा थ्योरी लिख लो इससे पहले व्हाइल जो मैंने तुम्हें समझाया उसे इंग्लिश में लिख लो बस व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विच एक्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्लियर? अब थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। देखो Q1 मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब E मैं वैल्यू नहीं रखता हूं, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम में नहीं रखता हूं, मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा। Q2 क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस का चार्ज। Q2 क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा? उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है ना, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो टोटल हमें चार्ज मिल जाएगा, Q2 मिल जाएगा। तो मैंने बोल दिया, अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर से निकालते हैं। जितना एटॉमिक नंबर हो जेड, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, आइसोटोप्स आइसोबार्स में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होगा एक एटम के अंदर उतना ही नेगेटिव होता है, तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन भी ई होगा, ठीक है। वैल्यू रख दो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। 1/4 πε एप्सिलॉन क्या आ गया? q1 z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये m भी आ गया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी दे चुके हैं हम, इसे 2 दे देना, इसे 3 दे देना, ठीक है। नाउ वी नो दैट, हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेंट्रीपेटल फोर्स रहेगा, तो मैं एक कंपैरिजन लिख दे रहा हूं। वो कंपैरिजन क्या होगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 πε अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर रहेगा बेटा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। क्या ये क्लियर है तुम लोगों को? क्या ये क्लियर है कितना सेंट्रीपेटल फोर्स होगा? चलो इसको इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 4, ठीक है। तो मैं जितने फॉर्मूले डिराइव करता जा रहा हूं उतने फॉर्मूले मैं यहाँ पे साइड में लिखता जाऊंगा, इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। एक सबसे पहले फॉर्मूला तुम जानते हो, एंगुलर मोमेंटम का हमने निकाला था, क्या था बेटा? mvr एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π। इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला क्या डिराइव किया? ze²/4πε₀r²mv²r, ठीक है। यहां पे हम फॉर्मूले लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पे, रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इजी हो जाएगा हमारे लिए, से मिलेगा हमें। देखो mvr equals nh/2π बेटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे, और ze²/4πε₀r² equals mv²/r, ठीक है। कंपैरिजन करना है दोनों का, तो एक काम करो इसे इधर ले लो और इसे इधर ले लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के स्टेप्स में। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करो और सेकंड से इसमें डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या होगा? m²v²r, क्या किया मैंने, लिखना चाहो लिख लो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड देन डिवाइड इट बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। r²(n²h²)/4π², क्लियर है। अब इससे डिवाइड कर दो नीचे वाली इक्वेशन से, क्या आएगा? मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं सब, ठीक है। mv² / r, और इधर क्या आएगा बेटा?
z square upon 4 pi epsilon r square. जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो यहाँ पे m गया, v square पूरा कैंसिल हुआ बेटा, फिर r ये कैंसिल नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, यहाँ पे 4 कैंसिल हुआ, पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। चलो यहां से हमें क्या मिला, एक m बचा है बेटा, ठीक है, एक r स्क्वायर इनटू ये r ऊपर आ जाएगा r इक्वल्स, यहां पे क्या बचा बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z e स्क्वायर इनटू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा epsilon r स्क्वायर, ठीक है, और पाई, क्लियर है। देखो r स्क्वायर से ये एक r स्क्वायर कैंसिल कर दो तो हमें रेडियस का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m को इधर ले आओ इनटू z इनटू पाई इनटू e स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आ गया बेटा। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, बस क्या करेंगे हम जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साथ लिख लेते हैं, जो वेरी हो सकती है कुछ वैल्यूज उनकी चेंज हो सकती है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो मैं ये लिख रहा हूं और ऊपर से स्टार्ट करते हैं r इक्वल्स, अच्छा ये रेडियस हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं nth ऑर्बिट, तो मैं किसी भी रेडियस कोई सी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस निकाल लिए, बस n की जगह उसकी वैल्यू रख दे रही है 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो rn बेटा कितना आएगा, देखो क्या n चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ सेल हां चेंज हो सकता है, h कैप लेंस कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी चेंज हो सकता है, अगर हाइड्रोजन है तो 1 होगा, हीलियम है तो 2 होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी ऐसी जो चेंज हो सकती है, पाई चेंज नहीं होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट को सबको एक ब्रैकेट में लिख दो, ऊपर क्या बचा बेटा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और नीचे एम पाई e स्क्वायर, ठीक है, इनटू m स्क्वायर अपॉन z, ये आया कैलकुलेट करके, ये जो कांस्टेंट है ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू rn इक्वल्स इसकी वैल्यू आती है 0.53 कैलकुलेट करके इनटू n स्क्वायर अपॉन z, और आंसर आएगा ये एंगस्ट्रॉम में, इसमें बेटा एंगस्ट्रॉम, ये जनरल फॉर्मूला डिराइव हो गया किसका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का। सर आपने तो हमें ये दिखाना था आर एन इक्वल टू 52.9 इनटू एन स्क्वायर, ये था ना, बोर ने जो डायरेक्ट पोस्टुलेट दिया है वो किसके लिए दिया, हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए दिया बेटा, बोर का पोस्टुलेट हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहां से जेड तो फिक्स हो गया, अपन इस फॉर्मूले में जेड की वैल्यू आ गई 1, तो ऊपर का ही बचा। अब देखो तुमको जो आंसर लिखवाया गया था वो पिकोमीटर में था, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर का रिलेशन तुम मीटर से निकाल सकते हो, एक पिकोमीटर 10^-12 मीटर होगा और बेटा एक एंगस्ट्रॉम 10^-8 मीटर होगा, इन दोनों से तुम रिलेशन डेवलप कर सकते हो, वही आएगा पिकोमीटर में, ठीक है। और ये मैं लिख देता हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, कितनी कितना फॉर्मूला डायरेक्ट बोर ने कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया जनरल फॉर्मूला ये डिराइव हुआ है, रेडियस आ गई हमारे पास, ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे जब मैं डिराइव करूंगा तो ये मेरे पास बेटा कौन सा फॉर्मूला आ गया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट निकाल सकता हूं। तो मेरे से अगर क्वेश्चन पूछता है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है यहां पे,
कंक्लूजन लिख दूं, है ना। मेरा कंक्लूजन क्या है, रेडियस का फॉर्मूला आरएम क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम पाई ई स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर अपॉन से दिया, ठीक है। और ये तो हमारे पास फाइनल आंसर है, ये तो वैल्यूज रखने के बाद आंसर आया, लेकिन फॉर्मूला डेवलप क्या हुआ वो डेवलप हुआ। तो अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ऑप्शन है बेटा एन इक्वल टू टू एल आई बी, एन इक्वल टू टू बेरिलियम सी, एन इक्वल टू टू हीलियम एंड डी, एन इक्वल टू थ्री हेलियम, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फर्स्ट सेल के लिए पहले उसकी रेडियस को निकालो। पहले पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम रेडियस एज फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकालनी पड़ेगी, जेड वाली का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सेल की रेडियस निकालनी पड़ेगी किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो क्या हमने निकाला अभी, तो आर वन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मतलब जेड इक्वल टू कितना हो गया वन, पहले ये कैलकुलेट करो। तो यहां से निकालो 0.53 into first cell ना, have same radius of first cell, मतलब n equal to 1, z कितना आ गया बेटा 1, hydrogen like atom की बात कर रहे हैं, angstrom का, तो कितना आंसर आया, radius of first cell of hydrogen atom कितना हो गया 0.53 angstrom, या 52.9 picometer, दोनों ही सही है, ठीक है, picometer में होगा तो 52.9 होगा। अब इनमें से चेक कर लो, इनमें से किसका ये आ रहा है, है ना, n equal to 2 और li, li का मतलब z कितना हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, z कितना हो गया इसके लिए 3, ठीक है। तो इसके लिए रेडियस निकालेंगे तो क्या आ रही होगी, सेकंड सेल के लिए चाहिए मतलब r2 0.53 into n square, ऊपर क्या है n square, n कितना है 2, 4 upon, नीचे क्या है बेटा z, z कितना है लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरा थर्ड एटॉमिक नंबर है मतलब 3, नहीं आ रही है, देखो इसके बराबर नहीं आएगी, कुछ भी आए कैलकुलेट करके पर इसके बराबर नहीं आएगी, ऐसी कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहीं पे छोड़ देना है, दिख रहा है साफ साफ, बेरिलियम पे आओ आर टू, इसमें भी आर टू निकालने किसके लिए, बेरिलियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, जेड कितना हो गया बेटा, जेड कितना हो गया 4, ठीक है, एन कितना है 2, एन स्क्वायर मतलब 4 और जेड कितना है 4, कैंसिल हो गया, आंसर आ रहा है 0.53, ये एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर रहे हो तुम सबके लिए, 0.53 वाला फॉर्मूला मतलब एंगस्ट्रॉम, ये देखो सेम आ रहा है इसके जैसा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी और डी को भी चेक कर लेना नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, समझ में आया बेटा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट रिलेटेड है बेटा वेलोसिटी से, इससे रिलेटेड है वेलोसिटी से, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, थोड़ा इजी सा है, हम ये जानते हैं mvr इक्वल टू ns अपॉन 2π, ठीक है। रेडियस अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला ये निकाला ही है, नाउ सिंस rn इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m pi epsilon naught square into n square z, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट
कर दो, बस इतना काम है। एम वी आर की जगह रख दो, इसे वन दे देना, इसे टू दे देना। यूज टू इन इक्वेशन वन, इट गिव्स क्या मिलेगा, एन स्क्वायर रखो इसमें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम पाई स्क्वायर ई इनटू जेड, या जेड को आगे रख दो। It was NH upon, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, M से M कैंसिल, पाई टू पाई कैंसिल, एक N से एक N गया, एक H से एक H गया, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। तो वेलोसिटी को इधर रखो बस, V of NH इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, V of इलेक्ट्रॉन इन NH ऑर्बिट, तो VN लिख देता हूँ, VN लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो भी बचा है। इधर क्या बचा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा बेटा, देखो यहाँ z बचा है, तो ये z और e ऊपर चले जाएंगे राइट साइड में, z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बचा बेटा 2, यहाँ क्या क्या बचा है n h और एप्सिलॉन, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। vn vn ये आ गया टेम्परेचर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें से कोई काम करो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लिख लो, कॉन्स्टेंट क्या क्या है, n और z को छोड़ के सब कॉन्स्टेंट है, e कॉन्स्टेंट रहेगा, चार लोग d इलेक्ट्रॉन, ठीक है, h कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कॉन्स्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, एयर एप्सिलॉन नॉट लगा दिए तो एयर, तो vn इक्वल्स ये लिख दो बेटा है ना, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू z अपॉन, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास। अब अगर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू तुम पुट करते हो, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की, तो आंसर आएगा बेटा, तो आंसर आएगा 2.18 इनटू 10 टू द पावर 18 इनटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर 6 कितना आ रहा है, 2.18 इनटू 10 टू द पावर 6 इनटू z बाय n, एटॉमिक नंबर है z और n क्या है, नंबर ऑफ सेल, ये वैल्यू तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला ये आ गया, जनरल फार्मूला ये है, इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, vn इक्वल्स e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू z बाय, क्या समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आएगा वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा वेलोसिटी की कुछ खास बात देखो, कुछ फॉर्मूले से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो बेटा हमने जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पे लिखा है देखो अभी जो कैलकुलेट किया, ठीक है, उससे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, vn बाकी सब तो कांस्टेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर z क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n क्या बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ सेल एक ही बात है ना, तो मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वहां डायरेक्ट दे दिया, लेकिन कैसे आता है वो ऐसे आता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड इंक्रीज कर रहा है ना, देखो जेड इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन मेरे साथ कौन कितनी स्पीड से चल रहा है मुझ पर फर्क नहीं पड़ता है, मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूं मेरी स्पीड पे उनकी स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी स्पीड को कंट्रोल करने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा
पॉजिटिव बढ़ा तो नेगेटिव भी बढ़ेगा, मतलब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की परवाह नहीं है, लेकिन साथ में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज इट क्लियर बेटा? कंक्लूजन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी की। इसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे एनर्जी की। चलो कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएच ऑर्बिट, ऑर्बिट या एनएच सेल, एक ही बात, ठीक है। चलो अभी तक एक ही बात है, आगे जाके अलग अलग होगी जब तुम्हें और लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल, दो तरीके की एनर्जी होती है। मैं यहां पे टोटल एनर्जी की बात करूंगा, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? ये मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इसके मोशन से जो एनर्जी जनरेट होती है, जो एनर्जी है इसके मोशन के दौरान इसके पास, उसे हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हेन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और ये कितनी होती है? कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। बड़ा आसान है इसे कैलकुलेट करना, एम तो हमें पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ये वैल्यू रख दो बस आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? एक बार डेफिनेशन तो दे ही दें। पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल, ठीक है। जब मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे अंदर जितनी भी ताकत है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब मैं जब उस एनर्जी को यूज करके मोशन करता हूं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब बॉडी उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके मोशन में आती है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी को जनरल फॉर्मूला रहेगा यहां पे, जब दो चार्जेस के बीच की बात हो रही हो, ठीक है, क्या रहेगा? एफ ई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कैसे निकालेंगे? PE का फॉर्मूला रहेगा बेटा 1/4πε0। ये जब ये वाला केस होता है, दो चार्जेस सेपरेट किए हों r डिस्टेंस से, तो ये फॉर्मूला होता है q1 q2/r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे भी हम निकाल सकते हैं, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में सिंपल ये वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कुछ नहीं करना है, तो मैं वी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो बस। यहां से हम जानते हैं वी क्या है, सिंस वी इक्वल्स वी एन इक्वल्स ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh ε0, यही है, ठीक है। यूज 2 in 1, we get, it implies हमें क्या मिलेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी की वैल्यू रखो जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh ε0 इसका बेटा होल स्क्वायर। ये बड़ा स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अगर ये तुमने नहीं लगाया तो आंसर ही कुछ हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1/2m
ये क्या हो गया बेटा, जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन फोर एम स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स आईवन नॉट स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो जो टर्म कॉन्स्टेंट है उन्हें एक साइड ले लो, ठीक है, जो वेरिएबल है उन्हें एक साइड ले लो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, तो ये चेंज नहीं, ये ऐसे अलग कॉन्स्टेंट के साथ रखना है। Z एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, और देखो एक n चेंज हो सकता है, E सेम रहेगा, H सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेंथ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, 4 भी कॉन्स्टेंट और एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट, तो इन सबको एक साथ ले लो, दैट इज 1/2 m E 4, ठीक है बेटा, और यहां से 4 h² ε₀² ओके बिल्कुल, और यहां से क्या अलग हट गया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ जल्दी, 1/2 × देखो इन सब की वैल्यू रख दो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रैक्टिकल होती है, ई की वैल्यू रख दो, चार्ज की परमिटिविटी ऑफ द एयर और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जब इन्हें तुम सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 1/8, ठीक है, और इन सब की वैल्यू रखोगे मतलब एम ई फोर, ये सभी कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा देखो 1/ ये पूरे की सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं वैल्यू, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा बेटा 13.6 × z² / n² आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आई क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बेटा हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैंने कैलकुलेट की, मैं उसे इधर लिख लेता हूं, 1/2 सॉरी लास्ट में आइए क्या कैलकुलेट करके, यहां जो मैंने लिखी है बेटा 13.6 × z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो मैंने वो काइनेटिक एनर्जी वहां लिख ली। अब हम देखते हैं क्या बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्या देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना, पोटेंशियल एनर्जी, अरे इसे देखते रहे हम, चीज बंद नहीं हो जाए ना, हम आपको भी देखते रहेंगे सर, बंद ना हो जाए यार, चक्कर पड़ जाएगा, नहीं 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 भैया मैं मना, हम तो फैन ऑन कर दो ना, अभी मत करना, अभी मत करना, थोड़ा सा रह गया बस, मुश्किल से 7 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ आप। चलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिगर पे आओ, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला दो चार्जेस वाले केस में, जब दो चार्जेस Q1 Q2 R से सेपरेट किए हुए हों तो फॉर्मूला ये होता है बेटा 1/4πε₀Q1Q2R, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अभी यहां पे आओ, देखो एक चार्ज तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, अब मैं यहां पे चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन के साथ E वैल्यू E तो रखूंगा, और जहां जहां मैंने E लिखा है ना उसका मतलब है ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं और साथ में मुझे प्रोटॉन की भी बात करनी है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये दोनों पता चले कि दोनों अलग अलग की बात हो रही है, मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा माइनस, और इसमें ही पॉजिटिव होता है जब ये प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है, इतना याद रखना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा Q1 है वो क्या है बेटा, मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस की है, कितना चार्ज रहेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी माइनस में, और Q2 है तो फिर से वही जैसे हमने उसमें कैलकुलेट किया था रेडियस, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कंपेयर कर रहे थे ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, तो हमने क्या लिया था Q2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर Z,
ठीक है, और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन ई से रिप्रेजेंट कर, बस वैल्यूज रख दो क्यू वन और क्यू टू की, आंसर मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा आप बताओ कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught into क्यू वन मतलब माइनस ई, ठीक है, और क्यू टू क्या हो जाएगा जेड ई अपॉन आर, माइनस को आगे ले लो पोटेंशियल एनर्जी, माइनस आगे आ गया 1/4 pi epsilon naught into Z e square upon R। कुछ और कर सकते हैं, हाँ R की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां से, ठीक है, ये वैल्यू है ना, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो R की, सिंस R क्या है हमारे पास epsilon naught H square upon M pi e square into N square upon Z, ये therefore potential energy कितनी बन जाएगी, calculate करो, minus Z e square upon 4 pi epsilon naught into R की जगह value रख दो, क्या आ जाएगा बेटा epsilon naught H square into N square अपॉन एम पाई ई स्क्वायर जेड, ठीक है, ये आ गया। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है सिंपल, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई से पाई कैंसिल हुआ बेटा, ठीक है, और दूसरा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो कैंसिल होगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या बन के आ रही है, ये नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर के साथ, तो क्या आएगा बेटा z e square into m into e square into z divided by 4 epsilon naught square into h square into n square, ठीक है, कांस्टेंट देखो क्या क्या है, Z कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज भी कांस्टेंट, Z ये भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके बाद 4 कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ द एयर कांस्टेंट रहेगी, लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और ये भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इसे एक साथ कर लो, एम E 4 Z square, नीचे क्या है बेटा 4 epsilon naught H square into N square, ठीक है, फिर से एक काम करना है तुम्हें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये केवल सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं हम, फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा M E 4 Z square upon नीचे 2 4 जाए इसको मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ epsilon naught square H square into Z square और नीचे N square और इसके 2 को अलग ले लिया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगी 30.6, ठीक है, सभी वैल्यूज रख दो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की, और प्लैंक्स कांस्टेंट की, हाँ ये वैल्यूज जब तुम रखोगे और ये जो 13.6 लिख रहा हूं मैं उसका जो आंसर आएगा बेटा, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है, ये कितनी आई
पोटेंशियल एनर्जी आ गया। क्लियर, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट की। पोटेंशियल एनर्जी, अब छोटा सा होमवर्क तुम्हारा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देना तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगी। ठीक है, यहां पे एप्लीकेशंस ऑफ द बोर मॉडल खत्म होते हैं। थैंक यू बेटा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल हम कैसे कर सकते हैं, देखो जरा मेरे साथ। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी जो कि माइनस में आ रही थी, माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी बेटा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जब हम देखो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो कॉमन आ गया है ना, अगर हम इसमें से इन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट होकर आ जाती है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच सेल ऑफ एच एटम, देखो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोशिश की है ना। तो एच एटम का मतलब जेड मैंने फिक्स कर दिया, जेड की वैल्यू क्या हो गई 1। तो टोटल एनर्जी क्या बन गई बेटा, माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एन की फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेल हाइड्रोजन एटम के लिए उसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर की जगह केवल n की जगह 1 रख दो। अगर n इक्वल टू 2 के लिए रखेंगे तो 1 अपॉन 4 आ जाएगा जो कि माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ऐसे ही n इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता जाएगा। अब देखो n इक्वल टू 1 से लेके जब मैं 4 की तरफ जा रहा हूँ, मतलब पहली सेल से बाहर की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखो फर्स्ट की कितनी थी, माइनस 13.6, n इक्वल टू 4 पे कितनी आ रही है, माइनस 0.85। तो कौन सी ज़्यादा है बेटा, कौन सी ज़्यादा है, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। यहाँ से अब एक क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव क्यों आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये लिख लो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। बेटा हमने अभी जो क्वेश्चन लिखा था क्या था, कि जो ई एन है एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या आ रही थी बेटा, नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए एनर्जी लेकिन नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करना है वहां पे, रिप्रेजेंट मतलब नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है वो हम समझते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है ई एन का, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बेटा। सिंस हाइड्रोजन एटम के लिए एच एटम हमने फिक्स किया तो Z क्या हो गया, हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, En इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये बोला जब मैं सेल्स के लिए निकाल रहा हूं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल, चार सेल के लिए अभी तुम्हारे सामने मैंने कैलकुलेट किया था। इसके लिए फर्स्ट के लिए आ रहा था माइनस 13.6 और लास्ट के लिए आ रहा था माइनस 0.85। तो जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ मूव कर रहा हूं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ये कम नेगेटिव वैल्यू है, तो कम नेगेटिव वैल्यू हाई होगी। ठीक है ना, तो ये हाई हो रही है वैल्यू। अब देखो मैंने बोला, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे अगर एन निकालना चाहता हूं मैं, कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, एक कंडीशन पुट करता हूं बेटा, When electron is at rest, when electron is at rest, ये कंडीशन भी मान लो और इसे एक क्वेश्चन भी मान लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा, कब होगा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे, ये बताओ, तुम लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे बेटा जब होगा, जब वो इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा होगा। अगर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो इसके कारण है ना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व करता हुआ होगा, वो रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में कब होगा, जब वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो न्यूक्लियस का, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री स्टेज की बात हो रही है। कब बात, और ये ऐसा कब होगा, जब एन बेटा क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, मतलब नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल में, इन्फिनिटी सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेज में। ठीक है, तो
अगर n इन्फिनिटी हो गया तो बेटा en क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में बेटा आंसर पुट करो, माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन n क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ अब इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन 0 लिख सकता हूं, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी और कुछ नहीं 1 अपॉन 0 होता है, ठीक है ये याद रखना मैथमेटिक्स से पता चलता है। 0 का बेटा इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या माइनस 13.6 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 में किसी भी चीज का, 0 में किसी भी चीज का बेटा मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आ जाती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth सेल क्या आ गई बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, जब मतलब वो न्यूक्लियस से, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है तो क्या आ गई एनर्जी 0 आ गई। अब जैसे जैसे मैं उसे अंदर की तरफ लेके आता हूं तो उसके ऊपर क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा किसका, जैसे जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है फ्री स्टेट में यहां पे है, ठीक है जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगा यहां पे इसकी 0 एनर्जी है, 0 एनर्जी क्यों होगी वो मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे जैसे इसको मैं अंदर लेके आऊंगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, ये तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती है और मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है 0। ये मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया कि एनएच सेल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होगा तो वैल्यू मैंने तुम्हारे सामने पुट की और एनर्जी कितनी आई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए जैसे जैसे हम हर एक सेल में निकालते हैं तो सब जगह एनर्जी क्या आती है बेटा नेगेटिव, क्योंकि 0 से लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, मैक्सिमम एनर्जी है 0। तो अगर मैं अंदर की तरफ मूव करता हूं न्यूक्लियस की तरफ तो एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, इसीलिए इसीलिए बेटा क्या होती है En मतलब जो एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है वो क्या है नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। देखो -0.85 और सबसे जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम या मिनिमम बोलेंगे, ठीक है ऐसे भी बोल सकता हूं मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, ठीक है और इसी को दूसरे वर्ड्स में बोल सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, है ना मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये दोनों वर्डिंग में अंतर है बाकी कॉन्सेप्ट बेटा सेम है। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हारे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा कि जो नेगेटिव साइन है एनर्जी का वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा, ठीक है और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये नेक्स्ट स्लाइड से बेटा तुम क्या है इसको अच्छे से पॉइंट बना के लिख लो जो अभी एक्सप्लेन किया है।